प्रिंस लॉर्ड सब कुछ है मिस की भजन संहिता 120 उसकी पहली में लिखा है। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। जब हम संकट के समय लोगों को पुकारते हैं वो हमारी सुनकर भी नहीं सुनते, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं सिर्फ वो हमारे सुनते ही नहीं बल्कि हमें प्रॉब्लमों से निकालता है। सब कुछ है मिस की इस वचन से आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख आ सकूँ और रूबरू हो सकूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक चैनल बनाने का मौका दिया है कि ताकि आत्मिक रोटी आत्मिक तरीके से हम उन्नति कर सकें। खासकर ये चैनल उन लोगों के लिए होगा जो मसीह जो खुदा में है और मसीह के साथ चलते हैं लेकिन फिर भी वो आत्मिक तरीके से बहुत निर्बल हैं, कमज़ोर हैं। मैं उन लोगों तक ये खुदा के कलाम को पहुँचाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि परमेश्वर की ये रोटी उन तक पहुँचे और वो उन्नति कर सके। जो लोग अपने बिजनेस में अपने कामों में इतना व्यस्त हैं कि वो परमेश्वर के घर भी नहीं जा पाते और वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बाइबल भी नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनके लिए यह वचन लेकर आया हूँ कि खुदा के वचन के वसीले से आपके ज़िंदगी में उन्नति आ सके। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे और ताकि आप किसी भी तरीके से आत्मिक उन्नति में रुकावट न बने। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर अरुण सागर जगत की ज्योति चर्च चंडीगढ़ से मैं खुदा के कलाम से बातचीत करना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में एक बात लिखी है जो यूहन्ना 6:35 में एक बात लिखा हुआ है जो यीशु मसीह हमें बात को बताना चाहता है। कहता है यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। जीवन यीशु मसीह ये दर्शाना चाहता है कि जीवन यीशु मसीह वो रोटी है जो हमें आत्मिक तरीके से उन्नति देता है, हमें आत्मिक तरीके से संतुष्टि देता है, आत्मिक तरीके से हमें उभारता है। क्योंकि हम अपने पेट के लिए तो बहुत सारी मेहनत करते हैं, अपने पेट को तो हम भर लेते हैं लेकिन हम आत्मिक तरीके से भूखे रह जाते हैं, आत्मा हमारी तृप्त नहीं होती है। बहुत खाना खाने के बाद भी हमारा जीवन असंतुष्ट होता है, हम बिल्कुल बेकार जीवन जी रहे होते हैं और लगता है कि हमारे पास तो अभी बहुत चीजों की कमी है क्योंकि हमारे मन हमारा दिल हमारी आत्मा भूखी होती है। और इस भूख को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया कि ताकि जो कोई उसे ग्रहण करे वो कभी नाश ना हो। आपकी आत्मा को नाश नहीं होने देना चाहता है क्योंकि ये रोटी जो संसार में हम कमाते हैं और खाते हैं ये रोटी हम खाकर खत्म हो जाएंगे, हमारी आत्मा भी नाश हो जाएगी। लेकिन जो यीशु मसीह हमारे लिए आत्मिक रोटी है जब हम इसे खाएंगे तो हमारी आत्मा नाश नहीं होगी बल्कि अनंत जीवन हमें मिलेगा। इसीलिए यीशु के वचन में यही लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में यही लिखा हुआ है यूहन्ना 6:35 में यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, वह कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह वो आत्मिक रोटी है आपको पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहती है। खुदा के लोगों मैं बात कर रहा हूं इस परमेश्वर से यीशु मसीह के जो आसमान कर वो आपके बीच में वो रोटी आई है वो यीशु मसीह है जो पूरी तरह से आपको संतुष्ट करना चाहती है। मैं चाहता हूं इस रोटी को आप प्रतिदिन ग्रहण करें, प्रतिदिन इस बाइबल को पढ़ें और इस रोटी को खाइए, मनन करिए, आत्मिक तरीके से आप उन्नति करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस वचन के द्वारा। और बाइबल बताती है कि इसी में 49वीं अध्याय तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, यह वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। वो यीशु मसीह उस मन्ना को जो मूसा के समय में परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसे लोग कर खा गए क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक रोटी थी और शरीर, लेकिन ये आत्मिक रोटी जो आसमान से उतरी है वो यीशु मसीह है। जब इसे तुम खाओगे तृप्त होगे और तृप्त ही नहीं होगे बल्कि ये यीशु मसीह है जो ये रोटी है जो आपको आसमान तक ले जाएगी। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने वचन को दिया है और मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन इस वचन को मनन करें, आत्मिक तरीके से पूरी संतुष्टि के साथ परमेश्वर के राज्य में बने रहे। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे। इस चैनल के लिए दुआ के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी आत्मिक तरीके से तैयार हो सके और आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल सके। इसे लाइक करिए, शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।